हरिद्वार जनपद के शाहपुर में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील मंडल शोभा यात्रा आज बैंड बाजे व ढोल नगाड़ों के साथ बादशाहपुर से शाहपुर पहुंची, जिसमें सुंदर झांकियों एवं राजस्थान व पंजाब से आए कलाकारों ने शोभा यात्रा को और भी सुंदर बना दिया। वहीं आज शोभा यात्रा में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार पथरी, थानाध्यक्ष अमरचंद शर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रमोद कुमार एवं सभी पुलिस कर्मियों द्वारा पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर कोठारी महंत जैनेन्द्र मुनि के साथ उपस्थित बड़ी संख्या में बाहर से आए साधु संत महंतों के अलावा स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा भारी पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बादशाहपुर से लेकर शाहपुर आश्रम तक मार्ग में लोगों ने साधु संतों का आशीर्वाद लेकर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस दौरान पैराग्लाइडर से भी शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा होती रही। बड़ा उदासीन अखाड़े का भ्रमणशील मंडल सनातन धर्म के धर्म पताका फहराते हुए लक्सर में 2 मार्च को पहुंची थी, जहां से ये 3 मार्च को पीपली गांव तथा 6 मार्च को अकबरपुर और 10 मार्च को टांडला महतोली होती हुई 16 मार्च को बादशाहपुर पहुंची थी। यहां से ये शोभा यात्रा आज 21 मार्च को बड़ी धूमधाम के साथ धारीवाला गांव होते हुए शाहपुर बड़ा उदासीन अखाड़ा पहुंची, जहां से ये शोभा यात्रा फेरूपुर होते हुए कंगला पहुंचेगी। वहां बड़ा हम लोग जो नगर प्रवेश चल रहा है 3 तारीख से पहले तो हम लोग ने लक्सर से पिबली आश्रम, फिर पिबली से ऊद आश्रम में ऊद से फिर हम लोग ये सुल्तानपुर होते हुए मतोली, फिर आप सुल्तानपुर से बादशाहपुर, आज बादशाहपुर से हम लोग शाहपुर श्री पंचायत अखाड़ा बड़ा उदास आश्रम में पहुंच रहे हैं। सर पहली बार
हम लोग की जो आप लोग देख रहे हैं जिनों से, और एक प्राचीन परंपरा, कोई आज की परंपरा नहीं है, पूरा एक ग्रामीण लोग पंच परमेश्वर के हर 12 साल बाद बड़े दिल से श्रद्धा के साथ आस्था के साथ पंच परमेश्वर के बड़े सब परिवार के साथ स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जहाँ पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उत्तराखंड के जो हमारे जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, सबसे बड़ी कुंभ मेले में इनकी जो बड़ी सेवा की भागीदारी होते हैं, तीनों शाही स्नान से लेके 13 अखाड़ों की जो शाही प्रवेश होते उसमें, फिर कानून व्यवस्था, फिर उत्तराखंड की सीमा को देखना, और इस समय जो पूरे देश में नहीं, एक दुनिया में जो परिस्थिति बना हुआ है उसमें पुलिस प्रशासन हर जगह पर इनको मुस्तैद खड़ा रहना पड़ता है।
सात पंच परमेश्वर सिविल पंचायत मंडल हम लोग जो नगर प्रदेश चल रहा है तीन तारीख से पहले से आप लोग ने लक्षण से पिबली आश्रम फिर पिबली से ऊद आश्रम में ऊद से फिर हम लोग ये सुल्तानपुर होते हुए मसौली फिर आप सुल्तानपुर से बादशाहपुर आज बादशाहपुर से हम लोग शाहपुर श्री पंचायत जखड़ा बड़ा उदास सामना आश्रम में पहुंच रहे हैं। सर पहली बार हम लोग की जो आप लोग देख रहे हैं दिनों से और ये प्राचीन परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं है, पूरा एक ग्रामीण लोग पंच परमेश्वर के हर 12 साल के बाद बड़े दिल से श्रद्धा के साथ आस्था के साथ पंच परमेश्वर के बड़े सब परिवार के साथ स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जहाँ पर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये उत्तराखंड के जो हमारे जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो पुलिस है पुलिस प्रशासन है सबसे बड़ी कुंभ मेले में इनकी जो बड़ी सेवा की भागीदारी होते हैं तीनों शाही स्थान से लेके 13 अखाड़ों की जो शाही प्रवेश होते उसमें फिर कानून व्यवस्था फिर उत्तराखंड की सीमा को देखना और इस समय जो पूरे देश में नहीं एक दुनिया में जो परिस्थिति बना हुआ है उसमें पुलिस प्रशासन हर जगह पर इनको मुस्तैद खड़ा रहना पड़ता है।